हेलो, स्वागत है आपका सरोज किचन में। आज मैं बनाऊंगी नो बेक बिस्किट केक। और इसमें मैंने ना तो ओवन का इस्तेमाल किया है और ना ही प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। ये बच्चों को जरूर पसंद आएंगे। नो बेक बिस्किट केक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 20 से 25 मैरीगोल्ड बिस्किट और आधा कप दूध और 2 चम्मच है कॉफ़ी पाउडर और 2 चम्मच है शुगर पाउडर। चॉकलेट मिक्सर बनाने के लिए मैंने लिया है 3 चम्मच कोको पाउडर और 50 ग्राम मेल्टेड बटर लिया है और 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस और आधा कप है जो ये शुगर पाउडर है। चॉकलेट आइसिंग के लिए मैंने लिया है 130 ग्राम डार्क चॉकलेट, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, और 30 ग्राम मैंने यहाँ बटर लिया है, अमूल बटर यूज़ किया मैंने यहाँ। तो अब हम नो बेक बिस्किट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉफ़ी मिक्सर बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल लिया है और इसमें हम ये आधा कप दूध डालेंगे, फिर ये कॉफ़ी पाउडर और ये पिसी हुई चीनी, इन्हें हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम अलग रख देंगे। हम गैस पे एक पतीला रखेंगे और फिर इसमें ये बटर डालेंगे। बटर जो है हमने पहले से ही मेल्ट करके रखा था, और फिर इसमें हम ये शुगर पाउडर ऐड करेंगे। 3 चम्मच कोको पाउडर मिला के इनको सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको हम 2-3 मिनट पका लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, तब तक हम चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हम डबल बॉयलर का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ये डार्क चॉकलेट डालेंगे और साथ ही ये बटर डालेंगे। चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है और इसे तब तक मेल्ट करते रहेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाए पूरी तरह। और ये हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। जो चॉकलेट मिक्सर बना के रखा था उसमें हम 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब बिस्किट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्किट केक बनाने के लिए हम ये मेरीगोल्ड बिस्किट लेंगे और कॉफी मिक्सर में डिप करेंगे इसको और फॉइल पेपर पे इसको रखेंगे और फिर इसके ऊपर ये चॉकलेट मिक्सर डालेंगे। वापस ये बिस्किट लेंगे और इसको कॉफ़ी के मिक्सर में डिप करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से पुश करेंगे, फिर ये चॉकलेट डालेंगे, चारों ओर फैलाएंगे इसको। ऐसे ही करके हम 10 बिस्किट लेंगे और 10 को ऐसे ही यही प्रोसेस में करेंगे। वापस इस कॉफ़ी मिक्सर में डिप करेंगे बिस्किट को और इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ से पुश कर देंगे। और ये लास्ट वाला है, इस पे चॉकलेट का मिक्सर नहीं डालेंगे लास्ट वाले पे, और ऐसे ही करके हम एक और बनाएंगे। 10 बिस्किट का बनाया मैंने यहाँ। ये चॉकलेट में डिप करेंगे और इसको फॉइल पेपर पे रखेंगे और ये चॉकलेट का मिक्सर इसको चारों ओर फैलाएंगे। वापिस दूसरा लेंगे, इस कॉफ़ी के मिक्सर में डिप करेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे। ऐसे ही करके हम सारे बना देंगे। मैंने दोनों बना दिए हैं। मैंने 10-10 बिस्किट के 2 केक बनाए हैं और लास्ट वाले के ऊपर मैंने यहाँ चॉकलेट मिक्सर नहीं डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने डार्क चॉकलेट मेल्ट की थी उसको इसके ऊपर डालेंगे। ये आप देख सकते हो, दोनों के ऊपर डालेंगे। चॉकलेट से हमने इसको कवर कर लिया है और बिस्किट को हम 15 से 20 मिनट फ्रीजर में रख देंगे ताकि केक जो है वो सेट हो जाए। 15-20 मिनट बाद हम चेक करेंगे, हमारा ये केक जो है वो सेट हो चुका है। अब हम इसको फॉइल पेपर में से निकालेंगे। निकाल लिया मैंने, अब इसको हम कट करके देखेंगे। तो
और ये केक जो है बनके तैयार है। नो बेक बिस्किट केक जो है बन चुका है और ये बनाना बहुत ही इजी है। आप भी बनाइए और कैसा बना है ये मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।